हेलो गाइस, तो ये अपन ने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी एक ड्रिल मशीन। ये ऐसे ही आई है फ्लिपकार्ट से, इसके ऊपर कोई भी पैकेजिंग नहीं थी। इनने पीछे एक लगा दिया है कि हम मतलब पन्नी को बचा रहे हैं, इसलिए ऐसा पैकेट बना के दिया। मतलब कि डायरेक्ट जो ओरिजिनल बॉक्सिंग है उसी में उनने बिल चिपका के दे दिया, जो भी उनकी होती है। तो ये लगा रखा उनने, तो ये ऐसे ही आई थी। वैसे तो मैंने इसको खोल लिया, पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आती है आई बेल कंपनी की तरफ से, आती है ड्रिल मशीन। काफ़ी फेमस कंपनी है ऑनलाइन में, बोश के बाद मतलब यही कंपनी है, और भी दो तीन है स्टेनली वगैरह करके, पर ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है। बोश से काफ़ी महंगे होते हैं प्रोडक्ट, पर ये बजट रेंज में काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपनी ड्रिल मशीन, ये है 650 वॉट की, और इसमें 13 mm का चक है, और 220 वोल्ट 230 वोल्ट पे ये पावर में वर्क करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये आई थी, इसकी जो मैं प्राइस बता दूं आपको, ये आई थी 1500 रुपये की, पर अपन को डिस्काउंट में मिल गई थी 1450 की, 50 रुपये डिस्काउंट था। तो आपको मैं पैकेट खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए पैकेट खोलता हूँ। इस पर सबसे पहले आपको एक मैनुअल मिलेगी, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी जो टूल है उसकी वारंटी वगैरह, और जो भी है आप सर्विस सेंटर 6 महीने की आपको वारंटी मिलती है इस पर। और अंदर आती है अपनी ये ड्रिल मशीन, देख सकते हो। अभी मैंने वैसे इसको खोल के देख ली थी, और इस पर ये जो हैंड वाला ये लगा भी दिया था, वरना ये अलग हो के आता है। तो चलो, ये जो पन्नी थी, ये पन्नी थी, ये इसके चक के ऊपर लग के आई थी पन्नी। तो ये मैं निकालता हूँ ड्रिल मशीन। तो देखिए इसकी लुक्स, देखिए दोस्तों आप, ये देखिए रेड कलर पे आती है, कम्प्लीटली रेड ब्लैक पे आती है। काफ़ी अच्छा कलर है ये, रेड ब्लैक पे अच्छी दिखती है, काफ़ी सॉलिड और हैवी है। आई वेल की ब्रांडिंग यहाँ दिखती है। 13 mm का चक है ये, और ये हैमर मोड में भी आती है। दोस्तों आपको यहाँ दिखा देता हूँ, दो मोड है यहाँ पे, एक हैमर मोड और एक नॉर्मल मोड। अगर यहाँ करेंगे तो ये आपका हैमर मोड हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये नॉर्मल मोड हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे वेरिएबल स्पीड का भी ऑप्शन है, आप इसको घुमाएंगे तो स्पीड कम ज़्यादा भी होती है, और लॉक तो यहाँ से हो ही जाती है स्पीड। और यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं आप, जैसे कुछ चीज़ जैसे स्क्रू वगैरह कस रहे हैं तो उसको निकालना है तो रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छी ड्रिल मशीन है। और ये मैंने लगा लिया था क्योंकि अभी मैं बिगिनर ही हूँ, तो ये लगा के चलाने में मज़ा आ रहा था, वरना ऐसे थोड़ी हैवी लग रही थी। और बता दूँ आपको इसके बारे में, बॉक्स कंटेंट क्या आते हैं। मशीन तो दिखाई दी, अब बॉक्स के कंटेंट ये आता है कि आपको होल की लेंथ नापने के लिए रहेगा ये। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे अपन कितना भी होल कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको नाप सकते हैं। ठीक है, और इस पैकेट के अंदर आपके पास आती हैं 4 ड्रिल बिट्स आती हैं आपके पास। वैसे तो अभी मैंने यूज़ नहीं करी, मेरे पास पड़ी हुई थी पहले से, तो 4 ड्रिल बिट हो गई। और ये इसकी हो गई एलिन की, जिससे आप इसको खोल पाएंगे, ये जो आपका ये है जो ड्रिल बिट लगेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो यही था बॉक्स कंटेंट में, तो यही था। मशीन हो गई आपकी, आपका एक ये हो गया, और आपके 4 ड्रिल बिट्स हो गए, और एलन की हो गई। तो काफ़ी अच्छी ड्रिल मशीन है, मैंने इसको ट्राई भी किया था होल करके, और पत्थर वगैरह में भी आराम से काम कर जाती है ये। और इसकी मैनुअल ये है, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, और वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो काफ़ी अच्छी ड्रिल मशीन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और भी वीडियो अगर ड्रिल मशीन के बारे में जानना चाहते हो और भी ज़्यादा, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके फुल डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ जिसमें इसकी फुल टेस्टिंग करेंगे अपन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।